हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गवर्नर। तो सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइज ऑफ व्हाट एंड द आंसर इट कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द गवर्नर। अगर हम बात करें काम करने के तरीके को यानी वर्किंग पैटर्न, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का वही वर्किंग पैटर्न है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का है। इट्स जस्ट दैट केस सेंटर के पास अपर हैंड होता है ओवर स्टेट इन सर्टेन एरियाज। इसके बाद अगर अब हम बात करें गवर्नर के टू फोल्ड फंक्शनिंग की, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि हम बोल सकते हैं व्हाट प्रेसिडेंट टू अ कंट्री इज गवर्नर टू अ स्टेट। और दूसरा खास फंक्शन ये कि ये जो गवर्नर है ये एक लिंक होता है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ हमें समझने की जरूरत है दैट गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो सारे ही गवर्नर के नेम में किए जाते हैं ऑन अ स्टेट लेवल। जैसे कि सारे ही जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं ऑन द सेंट्रल लेवल इज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट वर्क करता है, ठीक बिल्कुल उस तरीके से स्टेट लेवल्स पर गवर्नर्स वर्क करते हैं। उसके बाद अगर अब हम कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर से जुड़े हुए प्रोविजन देखें, तो हम बात करेंगे आर्टिकल 153 की, जो ये कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होने चाहिए। इसका मतलब स्टेट लेवल पे गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए। तो ये एग्जीक्यूटिव नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की तरह है, क्योंकि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो चीफ मिनिस्टर्स के हैंड में है। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 157 को, तो वो बताता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ गवर्नर। जैसे कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। इस तरीके से हमारे पास एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 159, जो बात कर रहा है कि हर गवर्नर को ओथ लेना ज़रूरी है बिफोर एंट्रिंग इनटू द ऑफिस। और साथ ही साथ एक सवाल ये कि ये ओथ कौन उन्हें एडमिनिस्टर करेगा, तो ये ओथ उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है या किसी वजह से वो नहीं अवेलेबल हैं, तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उनको ये ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे। उसके बाद एक खास आर्टिकल, एक खास पावर जो गवर्नर की है वो है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 बात करता है ऑर्डिनेंस की पावर को, यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। इसके बाद अगर हम एक खास केस लॉ देखें गवर्नर से जुड़ा हुआ, तो हमारे पास है एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मध्य प्रदेश। ये केस है 2005 का, और इसमें सवाल उठा कि क्या एक चीफ मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नर सैंक्शन दे सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए एक चीफ मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दे सकता है, और इसके लिए उसको जो है एड एंड एडवाइस जो है कंपलसरी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन देना है तो ये तभी पॉसिबल है जब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एडवाइस देंगे और उस एडवाइस पर ही वर्क करना पड़ेगा। तो इस फियर में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया गवर्नर और इससे जुड़े कुछ आर्टिकल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टिल आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।